श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। तेज प्रताप के आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बाहर निकलने वाला वीडियो आपने भी अब तक देख लिया होगा, किस तरीके से उन्होंने श्याम रजक पर आरोप लगाए और ये कहा कि श्याम रजक ने उनके और उनके परिवार के लोगों को गालियां दी। लेकिन ये खबर है इतनी भर नहीं है कि आखिर तेज प्रताप ने श्याम रजक को टारगेट क्यों किया, ये भी आपको समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि ये कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह की नाराजगी के बाद श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये वो दो नाम हैं जिन्हें लेकर लालू यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि इनके हाथ अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान होगी और तेज प्रताप यादव इससे खफा चल रहे हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब तेज प्रताप यादव आए तो उन्हें श्याम रजक की बगल वाली ही सीट मिली। इसके बाद जब बोलने की बारी आई तो मंच से तेज प्रताप यादव ने खुलासा कर दिया। उन्होंने श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट तक कहा और ये बातें साफ की कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिस क्लिप में श्याम रजक ये कह रहे हैं कि उनके और उनके परिवार के लोगों को गालियां दे रहे हैं। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएससी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से प्राप्त किया। हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली जगदानंद सिंह भी नहीं, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? ये पूरा प्रकरण तो आपने देख लिया, लेकिन इसके पीछे की बात को अब ऐसे समझिए कि आरजेडी एक बड़े बदलाव की ओर चल रही है। दरअसल सरकार बनने के बाद ना तो लालू यादव और ना ही तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके का विवाद सामने आए जिससे सरकार पर कोई संकट। ऐसे में सुधाकर सिंह का जब विवाद सामने आया तो सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, जगदानंद सिंह ने भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से किनारा कर लिया। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। खबर यह भी निकल के आ रही थी कि लालू यादव नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर घोषणा कर सकते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये नए प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी या श्याम रजक हो सकते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को श्याम रजक का प्रदेश अध्यक्ष होना शायद नागवार गुजरा, या उन्हें जब यह खबर पता चली होगी तो उसके बाद जो बातें इतने दिनों तक दबी हुई थी उसे वो इस बड़े मंच पर लेकर सामने आ गए और जिसके बाद का पूरा घटनाक्रम इस तरीके से बीता कि श्याम रजक फिलहाल अस्पताल में। तो क्या ये माना जाए कि श्याम रजक और तेज प्रताप यादव के बीच ये पूरा विवाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के होने को लेकर है, या फिर शुरुआती दिनों से ही श्याम रजक को लेकर तेज प्रताप के दिल में कोई तलखी थी, और क्या श्याम रजक ने इस तरीके की कोई बात तेज प्रताप यादव से की थी? आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।